हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मैंने अभी जो धुन बजाया है बहुत ही सिंपलेस्ट, सबसे सरल धुन नहीं है और ये आपके बहुत काम आएगी, खासकर बिगनर्स के लिए। मैं जितने भी ट्यूटोरियल बनाता हूँ बिगनर्स के लिए बनाता हूँ, एडवांसमेंट वालों के लिए नहीं होता ये, क्योंकि बिगनर्स स्टेज एक ऐसी होती है उस टाइम जो सीख लिया तो सीख लिया। राग भैरवी पर है, ये मैंने बजा के बताया। ताल कहरवा, जिसका टेम्पो 160 BPM रखा था। बहुत ही सिंपल है ये धुन। कैसे किया, राग भैरवी का मान लीजिए आप भजन गीत गा रहे हैं तो उसमें ये अपनी धुन है, खुद की धुन। इसके दो ही फ्रेज हैं और दोनों फ्रेज को मैं बजाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो यदि पसंद आए आपको तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि मेरे अपलोड होने वाले सारे वीडियो मिलते रहे। कैसे बजाए देखना। सरे ग राग भैरवी, स्केल पहली काली, स्वर क्या है, सा रे कोमल गा कोमल मा पा धा कोमल नी कोमल ता सप्तक का सा रे और गा, ये कोमल। राग भैरवी में रे गा धानी कोमल लगते, चाहे वो कहीं पर भी बजाए, चाहे हाई ऑक्टेव में बजे चाहे लोअर ऑक्टेव में। तो इसमें फिर मैंने दो इसके फ्रेज हैं, आप देखें दोनों फ्रेज के मैं बताता हूं आपको। पहला फ्रेज इतनी सरल है कि कोई भी बजा लेगा। सरे ग म प द नी स नी द प म ग रे सा, सरे ग म प द नी स नी द प म ग रे सा। ये पहले फ्रेज में क्या है, लास्ट में मैंने जैसे आठ मात्रा की ताल होती है 4/4 beat में, ये ताल कह रहा सारे ग म प द नी सा, ये आठ मात्रा हो गई। उसके बाद नी द प म चार मात्रा, ग रे सा आ लास्ट में सा के ऊपर एक मात्रा आप बढ़ा देंगे तो ये क्या ताल कहरवा में सही बैठ जाएगी। सारे ग म 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये आपका पहला फ्रेज हो गया, दो बार बजाया। पहला फ्रेज हो गया, दो बार बजाना चाहिए आपको। दूसरा फ्रेज बिल्कुल सिंपल सरगम है ये, प द नी सा रे ग रे सा रे सा नी द नी द प। दूसरा फ्रेज प द नी सा चार मात्रा, प द नी सा रे ग रे सा ये चार मात्रा है, नी द नी द प नी द नी द चार मात्रा हो गए। पा पा के ऊपर तीन मात्रा बढ़ा देना, कैसे, प द नी सा रे ग रे सा प द नी सा चार मात्रा, रे ग रे सा चार मात्रा, और उसके बाद रे सा नी द, सॉरी मैं बताने में भूल गया, रे सा नी द चार मात्रा, नी द पा पा के ऊपर एक मात्रा आएगी। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पा के ऊपर एक मात्रा बढ़ रही है। तो इस हिसाब से आपकी तालबद्ध हो गई। तो ये दूसरा फ्रेज है, दो बार बजाए। पहला फ्रेज भी दो बार, दूसरा फ्रेज भी दो बार बजाए। दूसरा फ्रेज प द नी सा रे ग रे सा रे सा नी द नी द प। इतना बजाने के बाद अब पहले फ्रेज को आप फिर से रिपीट कर दें। सरे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा। बहुत ही सुंदर आपकी धुन, कहीं पर भी बजाएं आप, भजन मंडली में बजाएं, कहीं पर आप घर में बैठकर के अभ्यास करें तो बहुत बढ़िया आपका, एक तो ताल ठीक होगी और आपका अभ्यास सही रहेगा। फिर देखें ताल कैरवा के साथ। Thank you.
दोस्तों ये सबसे सिंपल धुन है, इसमें मैंने कहीं बिल्कुल सीधा आया सीधा आरो अवरो बिल्कुल सिंपल वे में किए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इसका नोटेशन यदि आपको चाहिए, नोटेशन यहाँ नहीं मिल रहा है आपको, नोटेशन अगर आपको चाहिए इसी धुन का तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहाँ आपको इसका नोटेशन मिल जाएगा, आप आसानी से बजाना सीख सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियो हमेशा हमेशा मिलते रहें। दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।